सब्सक्राइब करें आवाज नेशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारी अपडेट सबसे पहले आपको मिले। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है ये इस मुद्दे पे बुलाई है कि आपने देखा होगा कि जो मोदी सरकार की जो आई है उसमें टैक्सेशन के बारे में उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट कदम उठाना चालू किया है और उसके वजह से लोगों को असुविधा हो रही है। अभी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मतलब मेन वजह ये थी कि जो टीडीएस अभी आजकल जो कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल करते हैं उसमें टीडीएस कट रहा है। लेकिन मेरा प्रश्न ये था कि अगर इंडिविजुअल आदमी या कंपनी जिसका मतलब कारोबार उस पर अगर कैश डिपॉजिट होता है या विड्रॉल होता है उस पर टीडीएस कटता है तो सही है, लेकिन जो पत संस्था है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, पत संस्था है या कोऑपरेटिव फेडरेशन है, कोऑपरेटिव मार्केटिंग मल्टी जो फेडरेशन वगैरह है या कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है उनका इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होता है वो भी एक रिसिपिएंट है, मतलब हमारे पास जो पैसा होता है वो शेतकरी, वो हॉकर्स और ऐसे जो छोटे छोटे जो वर्क के लोग हैं जिसको कोई मतलब कोई बैंकिंग की सुविधा नहीं, केवाईसी नहीं है, ऐसे लोग का पैसा हमारे पास आता है, हम वो पैसा जमा करते हैं, उसमें से सभासद का पास जमा करके हम एक को लोन देते हैं, तो वो जो केवाईसी के लिए जो पैसा हमारे पास डिपॉजिट कलेक्शन होता है वो कलेक्शन हम करते हैं, हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, तो जो बैंक्स होती है वो हमारे डिपॉजिट पे भी टीडीएस काट रही है और हमको जब बाट वापस देना होता है तो विड्रॉल पे भी टीडीएस काट रही है। तो इसकी वजह से हमको बहुत असुविधा हो रही है क्योंकि हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, हम भी एक बैंक है, छोटी बैंक है, जो बेचारे जो छोटा वर्ग है, जो छोटे मतलब जो गरीब वर्ग है, जो छोटा कुचला वर्ग है, जो परप्रांतीय जिसके यहाँ पर कुछ प्रॉपर ये नहीं है, वैसे लोग हमारे साथ खाता मेंटेन करते हैं, हम उनको छोटा छोटा मिनी कर्ज दे के उनको उसका मतलब ये करते, तो हमको ये प्रॉब्लम हो रहा है कि टीडीएस जो कट रहा है तो इसकी वजह से हम लोग ये मतलब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया कि ये लोगों को जन जागृति करना चाहता हूँ कि जितने भी क्रेडिट सोसाइटीज़ है उसको ये समझ में आए, क्योंकि एक ऑर्डर हुआ है मद्रास हाईकोर्ट में कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है वो एक रिसिपिएंट है, वो भी एक छोटा बैंक है, उनके लोगों का पैसा होता है और टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एक्ट सोर्स, मतलब कैश जो मतलब इनकम जो होता है उस पर टीडीएस होता है, तो ये बैंक हमारी जो छोटी सोसाइटीज़ है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, पत संस्था है, ये भी बैंक की जैसा ही है, टोटल बैंकिंग ही करते हैं हम लोग, सिर्फ चेक क्लियरिंग नहीं करते हम लोग, छोटी बैंक है जो गुजे तक जो गुजे जो छोटे छोटे जो लोग हैं जो निचले तबके के लोग हैं, गरीब लोग हैं, वैसे लोग की ये छोटी बैंक होती है, तो ऐसे हम लोग जो ऐसे ब्रांचेज बहुत सारी है, ब्रांचेज का बहुत जगह से कलेक्शन आता है जो पैसा बड़ा हो जाता है, तो जैसे ही 20 लाख का टर्नओवर पार होता है तो वो टीडीएस काटना चालू करते हैं, वो भी 2%। और तो हमारा ये मेरा ये बोलना है कि टीडीएस जो है वो हम पे अप्लीकेबल नहीं है, उसके बारे में पुष्टि मद्रास हाईकोर्ट ने कुछ महीने पहले उसने मद्रास हाईकोर्ट ने कोरम में मतलब पूरे जितने पिटीशन पे ऑर्डर दे दिया कि एप्लीकेबल नहीं, फिर भी अपने महाराष्ट्र में जो कुछ सारी बैंक है जो उस कोऑपरेटिव उस जो कोर्ट का हाईकोर्ट का आदेश मानने को तैयार नहीं है, वो बोलती है हमारे भी एप्लीकेबल नहीं है, पर एक हाईकोर्ट का आदेश अगर ये मानने को तैयार नहीं है तो इसके लिए मैं जन जागृति करना करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप लोग के माध्यम से उनको जगाना चाह रहा हूँ कि ये जो कर रहे गलत कर रहे हैं, हम लोग भी छोटी बैंक है तो इसकी जो दखल फाइनेंस मिनिस्टर या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है अपने जो स्टेट इनकम टैक्स जो जॉइंट कमिश्नर उसने लेनी चाहिए या जो सेंट्रल के जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फाइनेंस मिनिस्टर ने इसकी दखल लेनी चाहिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या कोऑपरेटिव पद संस्था है या मल्टी स्टेट पद संस्था है इनके पास डिपॉजिटर का डिपॉजिट होता है, गरीब लोगों का डिपॉजिट होता है, इनका खुद का इनकम नहीं, हमारा खुद का इनकम नहीं होता, इनकम पे टीडीएस होगा तो हम भरने को तैयार है, लेकिन जो डिपॉजिट हम जमा करते हैं सेफ्टी के लिए बैंक में ज़्यादा कैश हम रख नहीं सकते और हमारे पास ज़्यादातर कैश आता है, छोटे छोटे डिपॉजिट 100 रुपया 10 रुपया 50 रुपया 500 रुपये तो कैश देते और जब सभासद को लिए लोन नहीं हो रहा है तो पैसा हमारे कॉर्पस जमा होता है तो हम लोग बैंक में डिपॉजिट करते और एफडी करते हैं, तो एफडी करते हैं तो एफडी के निकालने के टाइम जो एफडी वगैरह निकालते हैं या उस टाइम तो कैश विड्रॉल या कैश ट्रांजेक्शन दिखता है, तो कैश ट्रांजेक्शन दिखता है तो उसमें ऐसा हो रहा है कि हमारे पर टीडीएस लग रहा है, एप्लीकेबल हो रहा है टीडीएस। मैं आप लोग के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, सरकार को जगाना चाहता हूँ, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, स्टेट फाइनेंस मिनिस्ट्री है, सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, स्टेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उससे से दखल लेनी चाहिए और जितने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दखल लेनी चाहिए कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ या पत संस्था है ये लोग इनका जो पैसा होता है ये लोगों का पैसा होता है और रिसीव हम लोग रिसिपिएंट है, हम जमा रखते हैं और उसका ट्रांजेक्शन होता है, हमारा इनकम नहीं होता है, इस बारे में ये आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सर, जब मद्रास हाईकोर्ट का आदेश आया उस आदेश को लेकर क्या किसी बैंक में आप मिले? बिल्कुल, मद्रास हाईकोर्ट एक्चुअली हमारा जो मैं एक्चुअली मेरी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है
आजकल हम ब्लू पीपल्स कॉपरेटिव सोसाइटी, जो गरीब तुच्छ वर्ग को, जो गरीब दलित जो वर्ग के लोगों के बैंक है, तो हमारा भी अकाउंट है और हमारे कुछ ब्रांचेज है पूरे स्टेट में। तो वहाँ का जो पैसा सेंट्रल ऑफिस हमारा सेंट्रल चेंबूर में, तो हमने चेंबूर में हमारा RBL बैंक है, RBL बैंक जिस बैंक में हमारा खाता है पिछले बहुत सालों से। तो अभी जनवरी के बाद उन्होंने जैसे जो इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, उन्होंने TDS काटना चालू कर दिया। तो उस बारे में मैंने हाईकोर्ट का ऑर्डर में उनके ब्रांच मैनेजर जो है अजय पांडे उनको दिया, और उनके टॉप एंड में कोई मतलब सुजीत जी का पता नहीं कोई है जो टॉप एंड के जो लीगल डिपार्टमेंट से बात भी की, तो वो क्या बोलते हैं ये हम पे अप्लीकेबल नहीं है, हम काटते रहेंगे। क्योंकि हाईकोर्ट आदेश पारित करता है तो उसी की नदी पूरे हिंदुस्तान में बन जाती है। तो इस तरह का जब ना मानना एक अपने आप में, मैं समझता हूँ कि अगर इसको लेके क्या, अगर नहीं मानते हैं तो क्या इसको लेके आप सुप्रीम कोर्ट का रास्ता अख्तियार करेंगे? देखिए हाईकोर्ट जो भी हाईकोर्ट होता है, अगर जो इंडिविजुअल अगर ऑर्डर नहीं, लेकिन हाईकोर्ट का ऑर्डर अगर समझो स्टेट गवर्नमेंट को है, और जो अगर जैसे मद्रास हाईकोर्ट ने अपने स्टेट जॉइंट कमिश्नर को ऑर्डर दिया था कि ये TDS एप्लीकेबल नहीं है, तो वो जो ऑर्डर है वो सब जगह मतलब इक्विवेलेंट या सिमोसिस में काम आ सकता है। इक्विवेलेंट ऑर्डर होता है पूरे स्टेट के लिए हो जाता है, पूरे भारतवर्ष के जो स्टेट के लिए। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट उसको अपील में जाती सुप्रीम कोर्ट में तो ठीक, तो उसको स्टे होता, पर स्टे नहीं हुआ। तो ये जो बैंक जितनी बैंक है वो कलेक्शन करके ना वो एक मतलब भर भी नहीं रही टैक्स, TDS काट रही है, लेकिन TDS काटने के बाद भी वो मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भर ले रही है, वो पूल अकाउंट में जमा कर रही है, मतलब पूल अकाउंट में हम जमा करते हैं और बाद में हम भरेंगे, मतलब सरकार को भी उसका पैसा नहीं जा रहा था। अपन तो जैसे आज TDS काटा तो 2 दिन का T+2 डे होता है, जाना चाहिए, तो वैसा नहीं हो रहा है। इन लोगों ने पूरा पैसा मतलब इकट्ठा करके उन बैंक के यूज़ कर रही है, जो बड़ी बैंक है पूरे जिसका जो ब्रांचेज पूरे इंडिया भर में, वो सब यूज़ कर रही है ऐसा TDS का। जिस तरह से दो तरीके से आप बता रहे हैं काटा जा रहा है, मद्रास हाईकोर्ट का आदेश भी नहीं माना, उससे नुकसान केवल आपको ही पड़ रहा है या कंज्यूमर को भी नीचे तक जाता है, नुकसान किस किस को? देखो ये जो TDS कट रहा है वो कंज्यूमर को नहीं जा रहा, लेकिन जो हमारे सभासद है के शेयर होल्डर्स है, अगर उसमें 2% हमारी सोसाइटीज़ के लिए बहुत बड़ी बात होती है। 2% अगर वो TDS कट जाता है, बल्कि हम लोग मतलब कि TDS मतलब क्या, इनकम हमारा इनकम नहीं है, जितनी कॉपरेटिव सोसाइटीज़ है कुछ कम नफा, नो लॉस नो प्रॉफिट में काम करती है, क्योंकि सभासदों को मदद करनी होती है, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स को देना होता है, लोन पार्टीज़ को देना पड़ता है। तो हमारे पास जो पैसा आता है ये लोगों का पैसा, और वो TDS कटने से हमको मतलब नुकसान होता है। सरकार से क्या अपेक्षा, क्या अपील, और मद्रास हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार आप क्या करना चाहेंगे? सरकार से ये अपील है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स है उनसे ये अपील है, उनके जो जॉइंट कमिश्नर जो इनकम टैक्स है, जब जाके स्टेट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या सेंट्रल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उनको ये बोलना है कि हम कॉपरेटिव सोसाइटीज़ एक छोटे बैंक में आते हैं, बैंकों को कॉपरेटिव बैंक और कमर्शियल बैंक को TDS नहीं रखा उन्होंने, तो हम पे क्यों, हम भी माइक्रो फाइनेंस लेवल पे, हम ऐसे मतलब कि छोटे छोटे लोगों को, ऐसा वर्ग जो गरीब वर्ग है जिसके पास KYC नहीं होता, ऐसे लोगों को हम हेल्प करते हैं, उनको उनका उसको सेविंग का बढ़ावा देते हैं, उनको मतलब आगे फ्यूचर के लिए उनके पैसे कैसे बचत हो, प्लस उनको जो कोई बैंक लोन नहीं देती, छोटे छोटे लोन, माइक्रो लोन, भाजी वाले, मच्छी वाले, दूध वाले, ऐसे लोगों को, पान वाले, ऐसे लोगों को जो कोई लोन नहीं देता, वैसे लोग हम लोन देते हैं उनको, ऐसे गरीब लोगों को अपलिफ्ट करने की कोशिश करते, वैसे हम भी बैंक की तरह है, तो हमको भी TDS से एग्जम्पशन मिलना चाहिए, हम TDS के दायरे में नहीं आते। सर, स्टेट के लिए क्या अलग अलग रूल है इस तरीके से, अगर आप बता रहे हैं एक स्टेट में इस तरीके से कानून पास किया गया है, महाराष्ट्र सरकार इस तरीके ध्यान नहीं दे रही है? बिल्कुल जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है वो ध्यान नहीं दे रही है, क्योंकि मद्रास हाईकोर्ट आपने देखा होगा साउथ इंडियन जो लोग हैं वो तो होशियार होते हैं सब चीज़ में और बहुत एक्टिव होते हैं, वहाँ के लोगों ने जब पिटीशन फाइल किया तो हाईकोर्ट ने उनकी साइड लेके उनको बोला कि आप रिसिपिएंट हो, तो वो एग्जम्प्टेड हो गए, तो पूरा तमिलनाडु में एग्जम्प्टेड हो गया, लेकिन महाराष्ट्र में जो क्योंकि कॉपरेटिव का गढ़ माना जाता है, यहाँ पर के जो बड़े बड़े जो मिनिस्टर्स हैं सोए हुए, कॉपरेटिव मिनिस्टर सोए हुआ है, उसने अब तक उसकी दखल भी नहीं ली, बल्कि मेरा बोलना है कि उसकी दखल लेके यहाँ पर भी इम्प्लीमेंट होना ही चाहिए। इस बारे में क्या आप जो RBL बैंक के हेड ब्रांच है मुंबई में, वहाँ पे आप गए? देखो RBL ब्रांच के कॉर्पोरेट ऑफिस में जाने के लिए छोड़ते नहीं है, बिना ऊपर से यहाँ के जो BM है वो हमको लेके जाने को तैयार नहीं है, वो बोल रहा है जो भी आप मेल करो। तो अगर कॉर्पोरेट अगर ये जो RBL बैंक हमसे भी ये चाह रहे हैं कि आप हमको जो काट रहे उसकी वजह प्रॉपर दे, और हम उसको लेके हम हाईकोर्ट जाएंगे, हाईकोर्ट जाने के बाद वहाँ से जो हमको ऑर्डर आएगा हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे और लगाने की कोशिश करेंगे। सर, और भी बैंकों में आपके खाते हैं, हर बैंक के अलग अलग रूल्स या इस तरीके की चीज़ें सामने आई हैं? नहीं, कुछ बैंक है जो मतलब कि उसको मानने को तैयार है क्योंकि उसको पता है कि ऑर्डर हुआ है, लेकिन कुछ ऐसी बैंक है जो जानबूझकर नहीं मान रही है, उसको पता चल गया, हमने को उनके नज़र में भी लाया कि मद्रास हाईकोर्ट का ऑर्डर है, बोलता नहीं वो हमारे हम लोग महाराष्ट्र में,
हम पे अप्लीकेबल नहीं है, ऐसा कोई इधर लिखा नहीं है अप्लीकेबल नहीं। और कोर्ट का सिमो से कोई स्टेट में अगर उसने कोई जॉइंट कमिश्नर स्टेट को दिया है तो हर स्टेट के जॉइंट कमिश्नर को अप्लीकेबल हो, क्योंकि आपने देखा कोई भी हाईकोर्ट का ऑर्डर कहीं होता है तो सेम ऑर्डर उसको अप्लीकेबल हो जाता है अपने आप ऐसा है। लेकिन हमारे यहाँ के जो बैंकर्स है वो मतलब कहते हैं लूट मार मचा के रखे, वो चार्जेस काटना ये काटना उनको मजा आता है और एक पूल में जमा करते हैं और करोड़ों का मुनाफा करते हैं खुद के लिए। सर मद्रास हाईकोर्ट के ऑर्डर को जो क्या आपने अपने स्तर से बैंक जो जिसमें आपका खाता है उसको रिसीव कराया मैनेजर को? बिल्कुल, जो मद्रास हाईकोर्ट का ऑर्डर था उसका जो लिंक था वो भी भेजा और हार्ड कॉपी भी उनको हमने भेजा। 20 दिन हो गए उनको बताकर समझाकर उसके लीगल पॉइंट्स भी बताए तो भी वो मानने को तैयार नहीं। उसके टॉप एंड की जो आरबीएल बैंक के कोई टॉप एंड का जो अधिकारी है वो बात करने को तैयार है, मिलने को तैयार नहीं है। मतलब जो होगा जैसा वैसे ही चलेगा और कटता रहेगा, आपको जो करने का आप करिए। कोई लिखित जवाब उन्होंने दिया आपके बात? लिखित जवाब मैं मांग रहा हूँ पीछे 15 दिन से कि लिखित जवाब मांग रहा हूँ कि आप मुझे लिखित जवाब दोगे तो हम हाईकोर्ट का दरवाजा ठकठकाएंगे या तो फिर मोर्चा आंदोलन करेंगे, क्योंकि ये हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ पे और जो गरीब तबके के लोग हैं जिनके लिए बैंक बहुत बड़ा मतलब बहुत यूजफुल काम करती है, उनके काम आती है, उनका मतलब उस पर अत्याचार और अन्याय है। सब्सक्राइब करें आवाज़ नेशनल न्यूज़ और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले।